चलिए, ये जो ए से लेकर बी तक की वायर होती है, ये वायर या तो कॉन्स्टेंटन की होती है या मैग्निन की होती है। कॉन्स्टेंटन और मैग्निन क्या होते हैं? कॉन्स्टेंटन और मैग्निन एलॉय होते हैं। एलॉय की खास बात ये होती है कि एलॉय में जो टेम्परेचर कॉफिशियंट होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस में बहुत कम चेंज आता है। तो ए से लेकर बी तक की जो वायर है वो वायर किसकी बनी हुई है? कॉन्स्टेंटन की बनी होगी या मैग्नीन की बनी होगी। वाई? बिकॉज दीज आर एलॉयज। और जो ये ऊपर वाली तार है, ये तार आपकी कॉपर की बनी होगी। कॉपर क्यों? कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये जो ए से लेकर बी तक की वायर है, इट इज ऑफ 400 सेंटीमीटर, और इट मे बी ऑफ 600 सेंटीमीटर, और इट मे बी ऑफ 800 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी भी लेंथ की हो सकती है, 400 सेंटीमीटर वाली भी होती है, 600 वाली भी होती है, और 800 वाली भी होती है। ऐसे अलग अलग लेंथ की होती है। ठीक है, अब इस वायर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, दैट इज के, के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट आप जानते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पर यूनिट लेंथ में, 1 मीटर लेंथ में या 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, फिर ये हमारे पास क्या होते हैं, वो सेल होते हैं। सपोज इट इज ई1 सेल, इसका ईएमएफ ई1 है। फिर ये दूसरे सेल है, इसका ईएमएफ ई2 है। ये दो इसके टर्मिनल हो गए, और इसको हम कनेक्ट करते हैं किससे? गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है किससे? जॉकी से। इट इज टर्मिनल वन, इट इज टर्मिनल टू, एंड इट इज टर्मिनल थ्री। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, स्केल लगा के रखते हैं। ये स्केल क्या होता है, ये स्केल लेंथ मेजर करता है। ठीक है, ये स्केल क्या करेगा, लेंथ मेजर करेगा बेटा, राइट। जैसे कल मैंने आपको सिखाया था ना, ऐसे घूम घूम के 100 100 100 करके 400 बन रहा था, ऐसे यहाँ पे घूम घूम के नहीं बनता, यहाँ सीधा स्ट्रेट। ये मैंने कल वाला ही डायग्राम बनाया है, लेकिन थोड़ा इजी वे में बनाया, थोड़ा इजी वे में, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, राइट। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा यहाँ पर, एनी डाउट्स? यस बच्चों, कोई प्रॉब्लम है, किसी को पूछना है? नो? सब बच्चों को समझ आगे? इतना मैंने बताया, अभी लास्ट वाला दोबारा समझा दो बेटा। यहाँ ए से लेकर बी तक की जो वायर होती है, ये कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की बनी होती है, एंड इट इज ऑफ वेरी लेंथ, 300 400 600 इस तरीके से होती है। ठीक है, ये हमारे पास दो सेल है जिनका ईएमएफ ई1 और ई2 है, जिनका हमें ईएमएफ क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? किसी को पूछना है? हाँ बेटा पूछो, मैसेज करके पूछो बेटा। मैं वेट कर रहा हूँ, पूछ सकते हो आप। जल्दी पूछ लो बेटा। बेटा पूछना है जिसे पूछिए, अगर पूछना है तो, नहीं तो मैं आगे। 20 सेकंड्स है आपके पास। नो? ओके, चलिए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है मेरे को व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलिए आगे देखते हैं बेटा, समझते हैं ध्यान से, बिल्कुल अभी चीजें खत्म नहीं हुई है। अभी मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि ये होता है, राइट। अब देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहां पर इस वन को टू से ज्वाइन करते हैं। ये जो वन है, ये जो टर्मिनल वन है, इसको टर्मिनल टू से ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद क्या करते हैं, जो जॉकी है इसको अलग अलग पॉइंट पे टच कराते हैं। जो जॉकी है इसको अलग अलग पॉइंट पे क्या करते हैं, टच कराते हैं, टच कराते हैं ऐसे करके। जो चौक है इसको टच कराएंगे ऐसे करके, और टच करा के हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिस पॉइंट पे जीरो करंट फ्लो कर रहा हो। जिस पॉइंट पे इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा हो, जीरो करंट फ्लो कर रहा हो, उस पॉइंट को हम नल पॉइंट बोलते हैं। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, उस पॉइंट को नल पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट को जहां पर इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो करंट जा रहा है, जहां पर इस वाली वायर में कोई करंट है, उस पॉइंट को हम नल पॉइंट बोलते हैं। सपोज करो कि वो जो नल पॉइंट आ रहा है वो जे पे आ रहा है, लेट अस सपोज द नल पॉइंट इज एट जे। और अगर मैं ए जे की लेंथ बोलूंगा तो ए जे की लेंथ हमारे पास होगी एल वन, ठीक है। द लेंथ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एल वन, वो कुछ भी आ सकती है, इट कैन बी 20 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, कुछ भी, ठीक। अब सवाल ये आता है कि सर आपने ड्राइवर सेल भी लगा रखा है, आपने ये वाला सेल भी लगा रखा है, और तब आप कब भी कह रहे हो कि सर जीरो करंट जा रहा होगा, ऐसा कैसे हो गया? दो दो से लगाने के बाद भी आपका कहना ये है सर कि करंट जीरो जा रहा होगा, हाउ इट कम्स, ऐसा कैसे हुआ? देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल सोच समझ के सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे आप सपोज करें कि ये ड्राइवर सेल 5 वोल्ट का है, राइट। ये ड्राइवर सेल कितने वोल्ट का है, 5 वोल्ट का है, और ये जो सारे अप्लाइंस लगे हुए हैं, इन अप्लाइंस ने क्या करा, अपने अंदर 1 वोल्ट एनर्जी कंज्यूम कर ली, अपने अंदर क्या करा, 1 वोल्ट एनर्जी कंज्यूम कर ली, राइट। इस ए से लेकर बी तक की तार को 4 वोल्ट मिली, 5 वोल्ट का सेल था, 1 वोल्ट उन्होंने कंज्यूम कर ली, तो इस ए से लेकर बी तक की तार को कितनी वोल्ट मिली, 4 वोल्ट मिली। मान लो ये 400 सेंटीमीटर की तार है, ये 400 सेंटीमीटर की तार है, इसको 4 वोल्ट मिली, तो हर 100 सेंटीमीटर के पास क्या हुआ, 1 वोल्ट पहुंची, ऐसा होगा या नहीं होगा? हर 100 सेंटीमीटर को कितनी वोल्टेज पहुंचेगी बताइए, 1 वोल्ट पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? यस, समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, ओके, मेरे पे मैसेज आ गए हैं, राइट। अब आप ये देखिए, ये सेल 2 वोल्ट का होगा, अगर ये सेल 2 वोल्ट का होगा तो इसका मतलब ये है कि इस 4 वोल्ट में से इतना हिस्सा 2 वोल्ट का आ गया है, मतलब ये बैलेंसिंग लेंथ मुझे कहां देगा, 200 सेंटीमीटर पे देगा। क्यों देगा 200 सेंटीमीटर पे, क्योंकि 200 सेंटीमीटर का मतलब है 2 वोल्ट इस तार के लिए, और वो 2 वोल्ट इस वोल्ट से क्या हो गया, मैच हो गया, जिसकी वजह से जीरो करंट जा रहा। अगर मैं 200 से 250 पे ले जाऊंगा तो मुझे जीरो करंट नहीं मिलेगा, अगर मैं 200 से 150 पे ले जाऊंगा तो भी मुझे जीरो करंट नहीं मिलेगा, मुझे जीरो करंट 200 पे ही मिलेगा। क्यों मिलेगा 200 पे, क्योंकि 200 में जितना वोल्टेज क्रिएट हो रहा है 2 वोल्ट का, वो वोल्ट इस वोल्टेज को क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे जीरो करंट मिले। आ रही बात समझ में? यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां बन गया, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां बन गया, जिसकी वजह से मेरे पास जीरो करंट आ रहा है। सब बच्चों को समझ में आया सही बात?
आगे देखते हैं, अब हम इसके आगे समझते हैं, इससे अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी चीजें और भी आपको समझनी है। चलिए देखिए, हम क्या कर? हम ए से लेकर जे तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, हम ए से लेकर जे तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं और इस वाली तार के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था के के क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि पर सेंटीमीटर लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, पर सेंटीमीटर लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस आया, दैट इज के। यानी कि एक सेंटीमीटर लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, एक के। दो सेंटीमीटर लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, दो के। 100 सेंटीमीटर लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बताइए? अगर 100 सेंटीमीटर की लेंथ हुई तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बताइए बेटा मेरे को जरा मैसेज करके। 100 के बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसे ही अगर L1 लेंथ होगी तो L1 लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, KL1 क्या आएगा, KL1। ठीक है, ये मेरे पास A से लेकर J तक का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इस वाले रास्ते के थ्रू, सीधे रास्ते के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, A से लेकर J तक का दोबारा पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन अब इस वाले रास्ते भी जाएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, अब जब हम नीचे की तरफ जा रहे होंगे तो हमारे रास्ते में कौन मिलेगा, E1। तो दोबारा हम A से लेकर J तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन अब की बार नीचे वाले रास्ते के थ्रू जाएंगे, तो हमें क्या मिला, E1। फिर हमें क्या मिला, गैलेनोमीटर, लेकिन गैलेनोमीटर में कितना करंट जा रहा है, 0। तो 0 × G यानी कि E1। तो आप जब इसको इसके इक्वल रख देंगे तो E1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, KL1 के बराबर आ गई। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, राइट? आपको समय आया बेटा फर्स्ट इक्वेशन का? यस मुकुल, प्रियांशु, श्रुति, देव, गौरी, सबको क्लियर हुआ? निखिल, सत्यम, उत्कर्ष, मैसेज करके बताइए बेटा। जिनका नाम भूल गया वो बच्चे मैसेज करके। बेटा सबका मैसेज नहीं आया मेरे को, मैसेज नहीं मिल रहा है मेरे पास सबका, मैसेज करिए बेटा। हाँ जी बेटा, देव क्लियर हो गया? बताओ बच्चे, जल्दी से बताओ मेरे को, सब बच्चे बताएं मैसेज करके, मैं आगे तभी तो पढ़ाऊंगा जब क्लियर होगा, नहीं तो फिर आगे पढ़ाने का क्या मतलब है। चलिए आगे देखते हैं, इसके आगे क्या करना होता है, इसके आगे क्या करते हैं, जैसे ये 1 को हमने 2 से ज्वाइन करा,
हम यहां से इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे और अब क्या करेंगे, टू को थ्री से ज्वाइन करेंगे। अब हम टू को थ्री से ज्वाइन करेंगे और इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि हमें दोबारा नल पॉइंट मिले, ठीक है। वो नल पॉइंट कहीं मिल सकता है, अगेन इट कैन बी एट एनी पॉइंट, इधर भी कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। सपोज करो कि वो हमें यहां मिल रहा है जे डैश, ठीक है, से लेकर J डैश की लेंथ जो है दैट इज L2, राइट। ये दूसरा वाला नल पॉइंट कब मिला, जब हमने दूसरे वाले सेल को जोड़ा, राइट right? और वो कहां मिला हमें, J डैश। लेट अस सपोज AJ डैश की वैल्यू क्या है, L2 है। तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन बनाऊंगा तो E2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K L2। This is our second equation. Now we divide the first equation by question and we get, on dividing first equation by second equation, we get E1 upon E2 is equals to L1 upon L2. ठीक है, कॉपी करिए बेटा सब। कॉपी कर लिया सबने, यस। चलिए आई थिंक सबने कॉपी कर लिया मेरे ख्याल से, आगे बढ़े। शैल यू मूव ऑन, एक मैसेज आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। मयंक का एक मैसेज आया, सर ये के एल वन कैसे आया? मयंक अभी आपने कब ज्वाइन करी क्लास, लेट ज्वाइन करी है मेरे ख्याल से। मयंक सुनो, के क्या होता है, के होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि पर यूनिट लेंथ में, एक सेंटीमीटर लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसे हम बोलते हैं के, राइट। तो अगर L1 सेंटीमीटर में आएगा तो हम क्या लिखेंगे, L1, इसलिए कि L1 आया बच्चे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसकी सेकेंड एप्लीकेशन समझाता हूं बेटा, देखिए। सेकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, राइट, और सेकेंड एप्लीकेशन है हमारे पास टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। हमें एक सेल गिवन होगा और हमें इस सेल का क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला पड़ेगी जो हमने पहले पढ़ाया था आपको, स्मॉल आर इक्वल्स टू ई अपॉन वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर। ये हमारे पास एक रिलेशन होता है जो हम यहाँ पर, आपको याद होगा बेटा ये जो ई होता है दैट इज ई एम एस, ये जो वी होता है बच्चे दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस,
और बेटा ये जो आर होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगेन बेटा ये हमारे पास ड्राइवर सेल है, ये हमारे पास की है, ये एमीटर है और बेटा ये रियोस्टेट है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास पॉइंट है ए से लेकर बी तक का, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए और बी पॉइंट की जो वायर है इसे बोलते हैं हम पोटेंशियोमीटर वायर, और ये वायर किसकी है, कॉन्स्टेंटन की है और मैनलिन की है, इसे बोलते हैं हम ड्राइवर सेल। ये हमारे पास की हो गई केवल। बेटा आप देखेंगे यहां तक का सारा पार्ट वही है जो मैंने पिछले एप्लीकेशन में लिखवाया था, इतना सर्किट डायग्राम। अब जो सर्किट डायग्राम चेंज होगा वो उसके नीचे का चेंज होगा, कैसे देखिए, ये मेरे पास अगेन एक सेल आ गया, यहां पे हमने एक की लगा दी, यहां हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, और ये कनेक्ट कर दिया हमने गैलोरीमीटर, गैलोरीमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया हमने जॉकी, और ये की केटी, ठीक है। आपको बेटा ईएमएफ का मतलब तो पता ही होगा, ईएमएफ क्या होता है, कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होता सेल से तो उस समय ईएमएफ कहते हैं, और वी क्या होता है, जब कोई भी करंट ड्रॉ हो रहा होता है तो उस समय वी कहलाता है, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे स्केल होता है जो स्केल लेंथ मेजर करके बताता है हमें कितनी लेंथ है, ये जॉकी जे। तो हम क्या करते हैं, वही तरीका है, अलग अलग पॉइंट पे टच करते हैं और टच करा के नल पॉइंट ढूंढते हैं, ठीक है। मान लीजिए नल पॉइंट जे पे आ रहा है तो ए जे की वैल्यू क्या हो गई, एल वन, ठीक है। ये वाली की ओपन रहेगी, उस की को क्लोज कर देंगे हम और हम पॉइंट ढूंढेंगे। मान लीजिए नल पॉइंट जे पे आ रहा है और ए से लेकर जे तक की लेंथ कितनी है, एल वन, तो हम ये लिख सकते हैं इक्वल्स टू के एल वन, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। आपको बार बार पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, आप इस वाली की को भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। दोबारा से आप क्या करेंगे, नल पॉइंट ढूंढेंगे, सपोज करिए कि वो नल पॉइंट आ रहा है वो जे डैश पे आ रहा है, तो ए जे डैश इज इक्वल टू एल टू, तो वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के एल टू। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो ई अपॉन बी इक्वल्स टू एल वन अपॉन एल टू आ गया। फिर मेरे पास ये रिलेशन होता है R equals to E upon B minus 1 into capital R. So R equals to L1 upon L2 minus 1 into capital R. तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। राइट, नोट इट डाउन फास्ट, नोट डाउन। एक बार और बताना है सानिया, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाली की को ओपन रखते हैं, उस की को क्लोज कर देंगे, तो हम नल पॉइंट ढूंढेंगे। मान लीजिए नल पॉइंट जे पे आ रहा है, जे तक की लेंथ एल वन है, तो ई इक्वल्स टू के एल वन हो गया, राइट। इतना क्लियर हो गया तानिया, फिर क्या करा, हमने नीचे वाली की भी क्लोज कर दी, ऊपर वाली भी क्लोज थी, उस समय नल पॉइंट आया जे डैश, तो हमने लिखा v इक्वल्स टू के एल टू, ए जेड डैश की लेंथ एल टू है, ठीक है। v क्यों लिखा सर आपने यहां पर, क्योंकि इस समय कोई ना कोई करंट जा रहा होगा नीचे वाले तार में, इसलिए हमने v लिखा, ठीक है तानिया।
बस दोनों को डिवाइड करा, ई एफ वन बी की वैल्यू आ गई, फिर हमने पुट कर दिया, राइट? कॉपी कर लीजिएगा बेटा सब याद से।